Hi friends, this is Poonam Kashyap. Welcome to my channel History Made Simple. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ये उसका आखिरी वीडियो है आई नो आई नो आप लोग बोर हो गए हो थोड़ा एक ही चैप्टर चलता जा रहा है चलता जा रहा है कितने सारे क्वेश्चन है सोच रहे हो बट मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर अप करके लाऊँ एक ही वीडियो में लाऊँ बिकॉज एग्ज़ाम में ना कहीं छूट ना जाए कुछ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रही करूँ इसलिए वीडियोज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो को छोटा रखूँ और काम की रखूँ ज़्यादा बड़ी भी ना हो बोरिंग ना हो तो चलिए आज ख़त्म कर देते हैं ये चैप्टर तो बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की तरफ बट उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए क्योंकि अभी बैक टू बैक मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो बहुत हेल्पफुल है तो नोटिफिकेशन मिलेंगी तभी तो आप लोग देखोगे तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और हाँ एक बात और मैं ये फ़ोन से ही शूट करती हूँ तो आई नो कभी कभी आप लोगों को दिक्कत होती होगी स्क्रीन पे क्वेश्चन अच्छे से दिखाई नहीं देता होगा बट मैं हूँ ना आपको टेंशन करने की क्या ज़रूरत है मैं पढ़ के सुनाऊँगी आप लोगों को आप लोग बस मुझे सुनते जाइए और आंसर भी बताते जा रही हूँ तो चलिए पढ़ती हूँ आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए तो ये जो है सूची एक से सूची दो को सम्मिलित करना है ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं तो मैं इसको ज़्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर ही बताती हूँ चलिए तो आहार संस्कृति जो है इसका हो जाएगा हमारा काले रंग के बर्तन ठीक है एक का चार बी का कायथा संस्कृति का होगा चॉकलेटी रंग के चित्र ठीक है मालवा संस्कृति ये हल्के गुलाबी तथा लाल रंग के मृदभांड हो जाएंगे और जौरवे संस्कृति इसके हो जाएंगे टोटीदार बर्तन तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा चलिए फिर से वही उसी तरह के क्वेश्चंस है तो देखते हैं आहार संस्कृति जो है ये हो जाएगा राजस्थान कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश सवालदा संस्कृति महाराष्ट्र और झूकर झाकर संस्कृति ये हो जाएगी सिंध से ठीक है तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही होगा नेक्स्ट देखते हैं कथन कारण आ गया फिर से देखते हैं मालवा तथा जौरवे संस्कृति के लोग मरणोत्तर जीवन में भी विश्वास करते थे यहाँ शवाधानों के साथ बर्तन एवं अत्यंत अत्यंत की वस्तु पाई गई है तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स मालवा संस्कृति जो है जौ मा, मालवा और जौरवे संस्कृति जो है इसमें पुनर्जीवन के बारे में जो मतलब तथ्य है उसे लोग मानते थे तो इसलिए मरने के बाद वो लोग क्या करते थे मरने वाले की ज़रूरतों के जो सामान होते हैं वो उनके संग दफनाए जाते थे तो ये दोनों बिल्कुल सही है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है हमें असत्य कथन बताना है एक नंबर ताम्र संचय के सबसे अधिक स्थल उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं दो साईपई नामक स्थल से ताम्र संचय के साथ गैरिक मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं तीन कुकदमान वृषभ की मूर्ति बड़गांव से प्राप्त हुई है ऑप्शन नंबर ए केवल एक बी केवल दो सी केवल तीन और डी उपरोक्त सभी तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल तीन केवल तीन जो है वो गलत है बाकी ये दोनों सही है चलिए नेक्स्ट देखते हैं जॉर्वे में शिशु मृत्यु दर अधिक रही होगी कारण बोल रहा है जॉर्वे में बड़ी संख्या में बच्चों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है आ, ए ए भी बिल्कुल सही है यहाँ मृत्यु दर जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा रही होगी इसलिए बच्चों के ज़्यादा दफनाए जाने के साक्ष्य हमें मिले हैं तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसमें हमें सत्य कथन बताना है तो नागर दधेरी कटपालन तथा भगवानपुरा से लोहे के उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं हस्तिनापुर में लोहे के उपकरण का साक्ष्य नहीं मिलता है तीन नंबर चित्र धूसर मृदभा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल भगवानपुरा है तो फ्रेंड्स इसमें जो सही हो जाएगा हमें सत्य कथन बताना है तो ये एक और दो जो है वो मुझे सही लग रहा है तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो मिलित करना है आ, सूची एक को सूची दो से स्थान है और संस्कृति है तो चलिए देखते हैं पंजाब व बहावलपुर कबरागा एच संस्कृति ये बिल्कुल सही है गुजरात लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति ये भी सही है पंजाब व हरियाणा पीले मृदभांड संस्कृति सही है गंगा यमुना दुआब गैरिक मृदभांड संस्कृति ये भी सही है तो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी इसी तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन रखने की कोशिश की है ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो और पता है एन टी नेट की खासियत है ये क्वेश्चन वही पूछते हैं बट इतनी तरह से ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं ना कि आपको आंसर पता भी होगा और आप कन्फ्यूज हो जाओगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था ये कहाँ से आ गया तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब तैयार किया है तो चलिए देखते हैं इसका हो जाएगा प्रौग ऐतिहासिक कलाकृतियाँ ये भीम का ठीक है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य ये हो जाएगा आदमगढ़ एवं बागौर प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण ये चिरांद बिहार में है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये मेहरगढ़ ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है एक मध्य पाषाण काल में अस्थि पंजर का प्रथम अवशेष प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है दो दक्षिण भारत में कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेलारी कर्नाटक प्रांत है तीन नवादा टोली स्थल नर्मदा नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है तो फ्रेंड्स इसमें हमें जो है असत्य बताना है तो इसका असत्य तो क्लियर दिख रहा है ऑप्शन नंबर तीन जो है वो गलत है तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूरा पाषाण काल में हस्त कुठार बनाने में एवी एबी वेली और एशुली दोनों ही तकनीक का सम्मिश्रण है दो कालीन संस्कृति का प्रसार असम में नहीं पाया जाता तीन निम्न पुरापाषाण से संबंधित स्थल सोहन नदी घाटी क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र तथा मद्रास क्षेत्र है तो फ्रेंड्स इसका जो है ये एक और तीन सही है और ये दो गलत है तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बुर्ज होम स्थित कालीन स्थल से कब्रों में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी चिरांद स्थित कालीन संस्कृति में हड्डी के उपकरण प्रचलित थे तीन मेहरगढ़ स्थित कालीन स्थल से गेहूँ जौ और रुई के उपजाऊ उपजाने के साक्ष्य मिले हैं उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं ये हमें बताना है तो फ्रेंड्स ये तीनों ही सही हैं ठीक है तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही हमने ख़त्म किया ये पूरा चैप्टर इसमें हंड्रेड क्वेश्चंस थे तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलो यार प्लीज़ तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर